हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लोकेश बिदूरी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डिजाइनिंग नॉलेज। और आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज कि आज हम बात करने वाले हैं ऐसे एडवांस ग्रिलिंग सिस्टम के बारे में जो कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और जो पेट्स हैं उनकी सेफ्टी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और साथ ही साथ आप अपने घरों के और अपार्टमेंट के बाहर जो इस टाइप के MSK और SSK जाल बनाते हैं, आपको ये ग्रिल सिस्टम उसके कंपेरिजन में आपको ये काफी सस्ता पड़ेगा और ये लुक वाइज भी ज्यादा अच्छा दिखाई देता है। तो चलिए आज जानते हैं इस ग्रिलिंग सिस्टम के बारे में कि ये क्या होता है और इसके क्या क्या पर्पस हैं, इसको हम कहां कहां पर इंस्टॉल कर सकते हैं और सबसे मेन इसका क्या कॉस्टिंग आता है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। इनविजिबल ग्रिल्स एक बहुत ही एडवांस ग्रिलिंग सिस्टम है जो कि आपके घर की बैल्कनीज में या फिर अपार्टमेंट में एज अ बालकनी गार्ड की तरह एक्ट करता है। ये सबसे सिंपल और एक इकोनॉमिकल वे है आपके घर में जो छोटे बच्चे या फिर जो पेट्स होते हैं उनकी सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए। और जो इसमें इनविजिबल शब्द का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये जो ग्रिल्स है ये प्रॉपर इनविजिबल है, बस इसका मतलब ये है कि एक सर्टेन डिस्टेंस से विजिबल नहीं होता है। तो आप इसको पास से तो देख सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़े से डिस्टेंस पे हैं या फिर घर के बाहर से देख रहे हैं तो चांसेस है कि ये आपको बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। बिकॉज की इनविजिबल ग्रिल्स में ये एक वायर होती है SS की, जिसकी जो थिकनेस है वो 2 mm, 2.5 mm या फिर 3 mm तक होती है, जिसको आप सिर्फ पास से ही देख सकते हैं। और अगर मैं आपको इसके और भी पर्पसेस बताऊं तो ये एक बर्ड सेफ्टी नेट के जैसा भी काम कर सकता है। और आप जैसे जानते हैं कि इंडिया के बहुत सारे एरियाज में मंकीज यानी कि जो बंदर होते हैं उनका भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो उनसे प्रोटेक्शन के लिए भी ये आपको एज अ सेफ्टी नेट के जैसा भी काम कर सकता है। लेकिन आपने कई एरियाज में देखा होगा कि उनसे प्रोटेक्शन के लिए हम कुछ ऐसे टेम्परेरी सॉल्यूशंस उसके लिए करते हैं कि ये जाल बनाते हैं या फिर कोई ऐसा नेट लगा लेते हैं, वो दिखने में बहुत ही ज्यादा खराब भी लगते हैं और कई अपार्टमेंट्स में तो उनको बनाना अलाउड भी नहीं होता है। लेकिन इनविजिबल जो ग्रिल्स है वो आपको सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ साथ आपके व्यू को भी बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करती है। तो कुल मिला के आप ये बोल सकते हैं कि इनविजिबल ग्रिल्स से ना तो आपकी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज होती है और ना ही आपके घर का एक्सटीरियर व्यू। तो बात करते हैं हम इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो हम इसको ओपन गैलरीज में यूज कर सकते हैं, ओपन टेरेसेस में यूज कर सकते हैं, कोई आपकी बड़े साइज की विंडो है, कोई अपार्टमेंट है, विलास है, होटल्स है, हॉस्पिटल्स है, आप कहीं पर भी इसको यूज कर सकते हैं। डिपेंड्स कि वहां पर किस पर्पस को ये सॉल्व कर रही है। तो चलिए नेक्स्ट आता है इसका इंस्टॉलेशन और इसकी कॉस्टिंग। तो अगर इनविजिबल ग्रिल्स की इंस्टॉलेशन के बारे में हम बात करें तो आप इसको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों ही तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा अपार्टमेंट्स में हर विंडो के बाहर एक छोटा सा छज्जा होता है जिससे कि पानी वगैरह आपके घर के अंदर ना आए, वहां पर इनके चैनल्स को ऊपर और नीचे लगा के इंस्टॉल किया जा सकता है। तो बेसिकली दो चैनल्स के बीच में जो ये वायर है ये SS की वायर होती है, 316 ग्रेड की ये जो अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग वायर होती है। इसकी थिकनेस मैंने जैसा बताया आपको 2 mm, 2.5 mm और 3 mm तक इसकी थिकनेस होती है। आपके जो चैनल वर्टिकली लगे हैं या फिर हॉरिजॉन्टली लगे हैं उसके बीच में इस वायर को बहुत ज्यादा टाइट किया जाता है। इन दो चैनल्स के बीच में आपकी जो SS की वायर होती है इसका डिस्टेंस आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। ज्यादातर जो इसका डिस्टेंस होता है वो 2 inch से लेकर 3 inch तक ज्यादातर रखा जाता है। डिपेंड करेगा कि आप किससे प्रोटेक्शन चाहते हैं। अगर आप बर्ड से प्रोटेक्शन चाहते हैं तो आप 2 inch तक का डिस्टेंस लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट बात आती है इसकी कॉस्टिंग की। तो इसकी जो कॉस्टिंग है वो इसी चीज पर डिपेंड करती है कि आप ग्रिल्स के बीच में जो गैप ले रहे हैं वो कितना ले रहे हैं, वो 2 inch ले रहे हैं या फिर 3 inch ले रहे हैं। कि अगर आप 2 inch लेंगे तो ज्यादा वायर यूज होगा और आपकी कॉस्टिंग ज्यादा आएगी। कॉस्टिंग इस चीज पर भी डिपेंड जरूर करती है कि आप कौन सी कंपनी का ले रहे हैं और आपके एरिया में किस चीज का क्या रेट है, बिकॉज कि ये आपको लगभग 10 से लेके 20 साल की वारंटी के अंदर अंदर आपको मिलती है। तो कॉस्टिंग इन सभी चीजों पर डिपेंड करती है। फिर भी मैं आपको एक बेसिक कॉस्टिंग इसकी बता देता हूं। तो बेसिकली आपको ये जो ग्रिलिंग सिस्टम है ये पूरा आपको 150 से लेके 200 रुपए पर स्क्वायर फीट आपको पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। और हम आपसे मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की नॉलेज के साथ।